दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी नगरी की है जहाँ पर रानियाँ, लड़कियाँ और नंस वर्जिन रहने का दावा करती हैं, लेकिन ये तो बस दिखावा होता है और अपनी वर्जिनिटी को चर्च में जाके दबा दबा के, रगड़वा रगड़वा के एक गूंगे बहरे नौकर से तुड़वाती हैं, मतलब खून की होली खेलती हैं। तो चलिए देखते हैं ये रानियाँ और नंस अपनी तितली का चमगादड़ कैसे बनवाती हैं। लेकिन यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और हमारे फेसबुक पेज को भी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में हमारे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, 1K सब्सक्राइबर करवा दो यार। तो चलिए देखते हैं वर्जिन टेरिटरी को। मूवी की शुरुआत एक आदमी के साथ होती है जो चर्च में पेंटिंग करता है, लेकिन इससे पहले ये एक चोर था। चोरी करते करते इसकी हवा देने लगती है तो इसीलिए ये चर्च में पेंटिंग करने लगता है। तो एक दिन ये सोचता है, बहुत दिन हो गए मुझे पैसे नहीं मिल रहे, और वो चर्च के फादर के पास अपना रोकड़ा लेने जाता है। वो फादर से कहता है, ओ बुड्ढे मेरे पैसे दे। लेकिन बेचारा फादर तो स्वर्ग में जा चुका था क्योंकि उसे प्लेग की बीमारी थी। इसके बाद वो सोचता है, अब पैसे तो मिलने से नहीं रहे, क्यों ना मैं ही फादर बन जाऊँ, कम से कम लड़कियों के साथ मौज तो ले लूँगा, हो सके तो एक दो को बजा भी दूंगा। इसके बाद हम एक लड़के पेलन को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे काले सांड जैसे आदमी भाग रहे होते हैं। दरअसल पेलन और झपेलन एक नंबर के जुआरी थे। पेलन ने झपेलन से दबा के सट्टेबाजी जीत मारी, जिससे झपेलन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो इस शहर का साहिदार सरकारी आदमी था जिसे पेलन ने दबा के पेला था, जिससे झपेलन पेलन को जान से मारने के लिए उसका पीछा करता है। लेकिन झपेलन के लड़के पेलन को पकड़ नहीं पाते और पेलन वहां से भाग जाता है। तो झपेलन अपने आदमियों से कहता है, मुझे पेलन की घास के बाल मेरे हाथ में चाहिए, वरना तुम्हारे घास के बाल मेरे हाथ में होंगे। अगली सुबह पेलन के दोस्त उससे मिलते हैं। वो कहते हैं, बेटा झपेलन तेरी फाड़ने के लिए कल रात से घूम रहा है, तू ये शहर छोड़कर चले जा, जिससे पेलन वहां से तेजी में गायब हो जाता है। इसके बाद हम महल के अंदर राजकुमारी पेंटिनिया को रोते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पापा और मम्मी की प्लेग बीमारी के चलते मौत हो जाती है। तभी वही झपेलन आता है। वो पेंटिनिया से कहता है, तुम क्यों रो रही हो बाबू, मैं हूं ना। जहां हमें पता चल जाता है झपेलन पेंटिनिया की पेंटिंग निकाल कर उसे रगड़ना चाहता है, तो वहीं पेंटिनिया कहती है, मुझे रूस के राजकुमार फटुल्ला लेने आ रहे हैं और मेरी शादी उन्हीं से होगी, ये कहकर वो जाने लगती है। तो झपेलन कहता है, ओ पेंटी की शकल की, जिस तरह ठुकते ठुकते तेरी आंखों से आंसू आ जाएं तो वो रोना नहीं होता, उसी तरह हर सर्दी खांसी कोरोना नहीं होता। और तेरे बाप ने बहुत कर्जा ले रखा था, वो सारा कर्जा झपेलन मैंने चुकाया है, और तू उसके बदले मुझसे शादी करेगी। तो पेंटिनिया कहती है, मैंने राजकुमार फटुल्ला से अपने खून की नदी बहाने का वादा कर रखा है। तो झपेलन कहता है, तेरी पेंटी में अपना फूल खिलाऊं, तेरी माल को देख के रोज हिलाऊं। तो पेंटिनिया कहती है, नहीं झपेलन नहीं, तुम ऐसा क्यों करते हो, मेरी रगड़ रगड़ के लाल हो गई है। इसके बाद हम पेलन को जंगल में भागते हुए देखते हैं जहाँ झपेलन के आदमी उसकी घास के बाल काटने के लिए उसका पीछा करते हैं। तभी जंगल में पेलन को दो आदमी दिखते हैं जिसमें एक मरा होता है और एक उसे ले जा रहा होता है। तो पेलन इस बुड्ढे से पूछता है, हाँ बे बुड्ढे यहीं फाड़ दूंगा तेरी, ये रास्ता कहाँ जा रहा है जल्दी बता। तो बुड्ढा कहता है, ये रास्ता गांव की तरफ जा रहा है जहाँ मस्त मस्त नंस रहती हैं, और मैं इस मरे हुए बुड्ढे को वहीं से लेकर आ रहा हूँ। तो पेलन कहता है, अबे तूने इसको पेल के मार दिया। तो बुड्ढा कहता है, नहीं नहीं ये खुद मर गया, ये वहीं का माली था। तो वहीं पेलन की बत्ती जल जाती है, भाई दिमाग की और कहीं की नहीं। पेलन बुड्ढे से बोलता है, ये तो मर गया तो इसकी जगह वो नंस मुझे माली की नौकरी दे देंगी, क्योंकि पेलन को झपेलन से भी बचना था। तो बुड्ढा कहता है, नहीं वो तुझे नहीं रखेंगी। तो पेलन कहता है, क्यों भाई इसमें कौन से सोने गड़े हुए थे। तो बुड्ढा कहता है, उन नंस को केवल गूंगे बहरे आदमी चाहिए। ये सुनकर पेलन सोचता है, ये कैसा चर्च है भाई, और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद पेलन झपेलन के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपने घोड़े को भगा देता है, जिससे झपेलन के आदमी भी पागल हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसी पेड़ की डाली टूट जाती है और पेलन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद पेलन को गुलाबी गुलाबी एकदम मस्त नंस घेर कर खड़ी हो जाती हैं और उसे अपने साथ चर्च ले जाती हैं। वहीं चर्च में दो नंस शीला और मुन्नी पेलन को बड़े रसीले होठों, चाशनी की मलाई के साथ देखती हैं, जो पेलन की एक एक बॉडी को सफेद प्यासी नजरों से देखने लगती हैं, जैसे उन्हें सफेद खून पीना हो। तो वहीं शीला कहती है, माय नेम इज शीला, तेरा ले लूंगी कीला। तो वहीं दूसरी नंस मुन्नी से कहती है, यार इसका बावला काला नाग मेरी आंखों में साफ साफ फुकार मार रहा है। तो शीला बोलती है, निकाल दूं क्या।
तो वहीं मुन्नी पेलन के पेट पर किस करने लगती है। वहीं पेलन बड़ी मजे से मन में सोचता है, थोड़ा और तेज चूस, गुलगुली हो रही है। मिली क्या सजा झपेलन से सट्टा लगाने की, नजर लग गई इन दोनों नंस को मेरे हथियार को हाथ लगाने की। कब्र से निकले हुए दोनों हाथ कहते हैं, बस आरजू रह गई तेरी चूची दबाने की। और पेलन फुल फील लेता है। मुन्नी को देखकर शीला की जवानी पेलन को और कस के किस करने लगती है। तो मुन्नी कहती है, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं इसका होठ चूस लूंगी। लेकिन तभी इन दोनों नंस की मदर आ जाती है। वो झट से अपना नकाब डालते हुए कहती है, मदर ये तो गूंगा और बहरा है। ये सुनकर मदर भी खुश हो जाती है। वो सोचती है कोई तो आ रहा हमारी ढपली बजाने। लेकिन शीला और मुन्नी को पता ही नहीं है कि पेलन गूंगा बहरा है, क्योंकि ये नंस चाहती हैं कि जल्दी से इस चर्च में कोई गूंगा बहरा आ जाए जो इनकी रगड़ा रगड़ी काला तवा भूरा कर दे और ये उनके साथ खूब मजे करें। ये नंस गूंगा बहरा इसलिए चुनती हैं क्योंकि गेम बजाने के बाद वो कुछ सुन और बोल ना पाए। और इन्होंने ही उस बुढ़े माली को खोखला करके मार डाला, मतलब दबा दब दबा दब दबा दब। इसके बाद मदर पेलन से इशारे में पूछती है, क्या तुम गूंगे बहरे हो? तो पेलन इशारे में हाँ कर देता है और सोचता है, हम थकते नहीं थका देते हैं, थूक लगा के घुसा देते हैं, आओ कभी इस पेलन के साथ घोड़ी बना के तितली सुझा देते हैं। वहीं मदर कहती हैं, ये तो कमाल हो गया, एक गूंगा गया तो दूसरा गूंगा आ गया, मौज ही मौज है, जाओ इसको नहला दो। फिर क्या, ये दोनों नंस और पेलन नंगे होकर ठोकम ठुकाई टपा टप दबा दब कर डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेंटीने झपेलन से परेशान होकर अपने दोस्तों के पास जाती है, जहां सभी वर्जिन होती हैं, लेकिन सबके बीएफ जरूर होते हैं और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से पहले ही बोल रखा है कि शादी से पहले कोई एक दूसरे को नहीं ठोकेगा। जहां उनके बॉयफ्रेंड सोचते हैं, अपना अपना जायका है मेरे भाई, किसी को पैग मार के नींद आती है तो किसी को हिला हिला के। इसके बाद पेंटीने अपने दोस्तों से बोलती है, यार झपेलन मेरे पीछे पड़ गया है और मुझसे शादी करना चाहता है, जबकि मेरे पापा ने रूस के राजकुमार फटुल्ला से मेरी शादी तय की है। तो वहीं उसकी दोस्त बोलती है, अबे पहले फटुल्ला को देख तो ले, कहीं सुअर जैसा ना हो। तो वहीं दूसरी सहेली बोलती है, अबे पागल है क्या, हम सब वर्जिन हैं, शादी से पहले हमारी मौत की खाई में सफ़ेद पानी नहीं जाएगा। तो वो कहती है, हाँ हाँ चाशनी की शक्ल की ठीक है। तभी वहाँ झपेलन आ जाता है, वो कहता है किसको रगड़वानी है। ये सुनकर वो सब भाग जाते हैं और बाहर बैठकर फैसला करते हैं कि जब तक राजकुमार फटुल्ला नहीं आ जाते तब तक पेंटीनिया को एक चर्च में भेज देते हैं। ये उसी चर्च की बात हो रही है जहाँ पेलन काम करता है, बगीचों का नहीं नंस का। और वो पेंटीनिया को चर्च भेज देते हैं। चर्च पहुंचकर वहां की नंस पेंटीनिया को अपने जैसी ड्रेस पहना देती हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। लेकिन इसे क्या पता था इस चर्च में हुलाला होता है। तभी पेंटीनिया पेलन को काम करते हुए देखती है, तो वो शीला और मुन्नी से पूछती है, ये लड़का कौन है? तो वो कहती है, ये हमारा माली है जो गूंगा बहरा है। ये सुनकर पेंटीनिया की पेंटी में सफ़ेद खून निकल जाता है, क्योंकि उसे भी रगड़ा रगड़ी करने का बहुत मन था। लेकिन तभी उसके मन में फटुल्ला का ख्याल आ जाता है, वो सोचती है ये सब पाप है। इसके बाद पेलन बगीचे में घूम रहा होता है, तभी वहीं एक दूसरी नन आती है। वो कहती है, तू मेरी लेगा या मुझे देगा? जाहिर सी बात है दीदी, पेलन तो तुझे पेलेगा ही। और दोनों ठोकम ठाकी करने निकल जाते हैं, जहां उन्हें राजकुमारी पेंटीनिया देख लेती है, जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शायद पेंटीनिया राजकुमार फटुल्ला को भूलकर पेलन को चाहने लगी थी। अगले दिन राजकुमार फटुल्ला पेंटीनिया से मिलने महल में आते हैं, जहां उसे झपेलन मिलता है। झपेलन फटुल्ला से कहता है, पेंटीनिया भाग गई है और मैं ही उससे शादी करूंगा। और बेचारा फटुल्ला मुंह लटका के घर जा रहा होता है। तभी एक गंजा बोलता है, फटुल्लू फटिल्ला भाई, तेरी पेंटीनिया पेंटी लेके गाँव के चर्च में भाग गई, जिससे ये झपेलन उससे शादी ना कर पाए और वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो फटुल्ला अपने सैनिकों से कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं अकेला पेंटीनिया से शादी करके आता हूँ। वहीं दो नंस पेलन के पास आती हैं, वो कहती हैं, कल जंगल की झाड़ी में किसकी झाड़ी साफ कर रहा था तू? तो वहीं पेलन कहता है, आजा मेरी जान, खा ले मीठा पान, ले लो हजार की गड्डी और खोल दो अपनी गुलाबी गुलाबी चड्डी। और घपा गप हो जाती है। इसके बाद शीला और मुन्नी पेंटीनिया से बोलती हैं, हम तो अपना तवा रगड़वाने जा रहे हैं, तू भी चलेगी? तो पेंटीनिया कहती है, नहीं शीला मुन्नी, ये घोर पाप है, लेकिन हम जानते हैं ये पाप पेंटीनिया अपनी पेंटी खोल कर करना चाहती है। तो शीला मुन्नी कहती है, तुझे जलन हो रही है पिंक पेंटी, सवारी घोड़े की हो या फिर समझ जाओ। झटके दोनों में ही लगते हैं, वो भी दबा दबा के। लेकिन शीला और मुन्नी पेलन के साथ पेलन नहीं कर पाती, क्योंकि आज मदर का डे था, जो कि पेलन के साथ पेलन कार्य करेगी, जहां मदर पेलन के साथ जी तोड़ पलंग तोड़ती है आवाजों के साथ। ये देखकर पेंटीनिया की पेंटी गुस्से में फट जाती है, क्योंकि पिंक पेंटी को पेलन से बाबू सोना वाला प्यार हो गया था, क्योंकि अब पिंक पेंटी को भी अपनी पेंटी निकलवानी है। अगले दिन पेलन बगीचों में घूम रहा था, वहीं पिंक पेंटी नकाब ढककर बैठी होती है। तो पेलन सोचता है, ये कौन सी नर्स है,
ये नहीं आई अभी तक अपनी तितली रगड़वाने मेरे पास। इसके बाद पेलन एक हट में गाना गाता है, ले 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 मजा, ले 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 मजा। तो वहीं पेंटिनिया उसे देख लेती है, अबे ये तो गूंगा था, ये कैसे गाना गा रहा है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। चलो जिससे प्यार किया वो गूंगा बहरा नहीं है। और अब पिंक पैंटी की पैंटी में आग लग जाती है, वो झटपट हट के अंदर पेलन से भटाभट करने चली जाती है। लेकिन अपना पेलन तो सबको डायरेक्ट पेल देता है, लेकिन पेंटिनिया उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर कहती है, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, मैं तुम्हें पेलना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद। और वो पेलन को किसी देकर भाग जाती है, जहाँ पेलन को भी बड़ा मजा आ जाता है। अगले दिन पेंटिनिया को लेने उसका आदमी आ जाता है, तो यहाँ पेंटिनिया पेलन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो वो चर्च की मदर से बोल देती है कि पेलन गूंगा बहरा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पेलन किसी और से दबा दब करे। तो मदर कहती है, तुझे कैसे पता चला? तो पेंटिनिया कहती है, आज मैंने उसे गाना गाते हुए सुना था। इसके बाद मदर को भी पता लग जाता है कि ये सुन भी सकता है और ये हमारे सारे राज खोल सकता है, और मदर उसे चर्च से लात मार के निकाल देती है, चल निकल झोपड़ी के। और पेंटिनिया भी वहां से जाने लगती है, तो पेलन कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चल। तो पेंटिनिया तो यही चाहती थी, और वो दोनों एक साथ चले जाते हैं। वहीं राजकुमार फटुल्ला गांव से चर्च जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है, वो कहती है, आजा घपाघप करेंगे। तो फटुल्ला कहता है, मैं तो सिर्फ पेंटिनिया की पेंटी फाड़ूंगा और किसी की नहीं। और वो लड़की अपना काला तबा रगड़वाने के लिए बोलती है, मैं ही तो हूँ पेंटिनिया। और दबा दब हो जाती है, क्योंकि फटुल्ला ने पेंटिनिया को आज तक नहीं देखा। इसके बाद हम पेंटिनिया और पेलन को देखते हैं, वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पेंटिनिया की शादी होने वाली थी। तो पेंटिनिया कहती है, तुम किसी से प्यार करते हो? तो पेलन कहता है, हाँ, लेकिन मैंने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा, उसने अभी तक मुझे किस किया है बस। और यहाँ पेंटिनिया सब कुछ जानते हुए अनजान बनती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वो कहती है, तुम उसे ढूंढोगे कैसे? तो पेलन कहता है, कुछ भी हो जाए मैं शादी उससे ही करूंगा। यहाँ पेंटिनिया खुश हो जाती है, लेकिन वो उसे अभी तक नहीं बताती कि वो ही वो लड़की है। वो पेलन से कहती है, तुम मुझे किस करो ताकि उसे याद आ जाए। और पेलन किस करने वाला होता है कि तभी वहां जब पेलन आ जाता है, तो पेंटिनिया कहती है, पेलन तुम यहां से भाग जाओ वरना ये तुम्हारी फाड़ देगा। लेकिन पेलन पिंक पेंटी के सामने हीरो बन रहा था, वो झपेलन से लड़ने लगता है, लेकिन झपेलन उसे खूब पेलता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पेंटिनिया कहती है, अगर तुमने इसे मारा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो झपेलन उसे जिंदा छोड़ देता है और काल कोठरी में बंद कर देता है। थोड़े दिन बाद पेंटिनिया झपेलन से कहती है, अगर तुम पेलन को छोड़ दोगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी। वहीं झपेलन भी मान जाता है, वो पेलन को छोड़ देता है। लेकिन पेंटिनिया झपेलन से कहां शादी करने वाली थी, वो तो पेलन को छुड़वाने के लिए उसने झपेलन से झूठ बोला। पेंटिनिया उसी चोर फादर के पास जाती है, वो कहती है, ये लो पैसे और तुम हमारी शादी मत होने देना, कोई ना कोई बहाना बना लेना। और वहीं पेलन वहां से जाने लगता है, तो वो सोचता है, यार पेंटिनिया उस झपेलन से शादी करेगी वो भी मेरी जान बचाने के बदले। और वो वापस महल की तरफ जाने लगता है, तभी रास्ते में उसे राजकुमार फटुल्ला मिलता है और ये दोनों पेंटिनिया को बचाने एक साथ चले जाते हैं। वहीं फादर उन दोनों की शादी करवा रहा होता है, लेकिन वो बार बार उल्टा सीधा बोलकर शादी टलवा रहा था, जिससे झपेलन को गुस्सा आ जाता है। वो फादर को ही मारने वाला होता है कि तभी फटुल्ला और पेलन आ जाते हैं और वो झपेलन के सारे आदमी को मार देते हैं, और लास्ट में पेलन झपेलन को भी मार देता है। वहीं पेंटिनिया भी आ जाती है, वो फटुल्ला से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, ये सुनकर उसकी फट जाती है। जब पेंटिनिया अपना नकाब हटाती है तो वो कहता है, तुम वो पेंटिनिया नहीं हो जिसे मैंने जंगल में दबा के पेला था, मैं तो उसी से शादी करूंगा। वहीं जंगल वाली पेंटिनिया भी आ जाती है, वो पेंटिनिया की ही दोस्त होती है। इसके बाद पेलन वहां से जाने लगता है, तो पेंटिनिया कहती है, तुम कहाँ चले मेरे हीरो? तो पेलन कहता है, मैं उस किस वाली लड़की को ढूंढने जा रहा हूँ। तो पेंटिनिया कहती है, तुम एक बार मुझे भर के किस करो, मजा आ जाएगा और तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। जैसे ही पेलन किस करता है, वो झपाक से पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है, और यहीं इन दोनों आशिकों की मुलाकात हो जाती है, यहीं मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लो, और फेसबुक पेज को भी। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। यार हमारा न्यू चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो वॉच कर लो। इस मूवी का नाम है वर्जिन टेरिटरी, जो कि 2007 में रिलीज की गई थी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।